जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भाजपा जसपा गठबंधन को लेकर कहा कि राजनीतिक दल में क्या छिपा है, वह क्रिकेट मैच में क्या हो जाए भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जसपा को हरियाणा में 19% से बढ़ाकर 40% वोट बैंक जुटाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जसपा को अपने दम पर हरियाणा में खड़ा करेंगे और उस दम पर दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। हम सभी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो रैली का न्योता लाए हैं। 9 तारीख की रैली है, भिवानी के अंदर मनाई जा रही है और इस गांव से विशेष तौर पर हमारा बड़ा लगाव है, 4 पीढ़ी का रिश्ता है। तो जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है रैली को लेकर के, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक रैली। निश्चित तौर पर हम अपने सभी सहयोगियों को भी निमंत्रण देंगे, मगर ये हमारी क्योंकि स्थापना दिवस की रैली है तो इस पर सहयोगियों को तो जहाँ देना देना है, वहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है और नेता जो है बड़े उत्साह से इस रैली में हिस्सा। तात्पर्य ये है कि हमारा लक्ष्य जो है वो अर्जुन का तीर और मछली की आंख, पार्टी को हरियाणा में अपने दम पर खड़ा कर और उसके दम पर लोगों के सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना, वो लक्ष्य है, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। 5 सालों में 20% वोट हमें हासिल हुआ, 19% वोट, तो इसको हमने 19 को 40 लेके जाना है, उसके लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे। यानी कि ये माने 2024 का चुनाव, मैं अभी उसके क्यों कहते हैं कि राजनीति के गर्भ में क्या छिपा है और क्रिकेट के मैच में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, मगर हमने अपनी पार्टी को मजबूत खड़ा करना है, उसके लिए हम कार्यकर्ता जो है दिन रात प्रतिबद्ध। अच्छा, बहुत अच्छा समर्थन हमें मिला। ज़्यादा सरपंच जो हैं और प्रतिनिधि जो हैं, अगर किसी पार्टी के जीत के आए हैं तो हमारे जीत के आए हैं और वो आज वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जगह जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं, हर गांव की पंचायतें JJP से जुड़ी हैं या जुड़ना चाहते हैं। हाँ, खाद की किल्लत है, इसको लेकर के हम गंभीर हैं। मैंने दुष्यंत जी से भी इसके बारे में बात की थी, आज या कल में वो सारी चीज़ें निपटा ली जाएंगी। आप जो हम गठबंधन में, अच्छा, हमने 3 साल में काम किया, जो जो वादे किए थे, चाहे 75% आरक्षण का था, चाहे महिला के आरक्षण का था, बैकवर्ड को रिजर्वेशन देने का था, जो जो बातें हमने की थी वो बहुत हद तक पूरी हुई। पेंशन की बात मैं मानता हूँ और मैं पर्सनली मानता हूँ, मेरी पार्टी की राय से अलग भी, कि वो कहीं ना कहीं अभी कमी है, उसको हमने बढ़ाना।